नमस्कार, हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अविरल, और चलिए बताते हैं आपको हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला में महाशिवरात्रि की धूम, प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होते ही राजधानी शिमला में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में शिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह का आयोजन भी किया गया है, और गंज मंदिर में सुबह 10 बजे से बाबा भोलेनाथ की बारात राम मंदिर के लिए प्रस्थान हुई है। वहीं उसके अलावा शिमला में 3 माह से लापता भगत राम की मिली लाश, सिर पैर गायब, पुलिस पे उठे सवाल। राजधानी शिमला में लापता 53 साल के शख्स का कंकाल मिला है। शिमला जिले के ठियोग के मोहक का भगत राम नाम का शख्स 3 माह पहले से ही लापता था। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका बताई जा रही है। महाशिवरात्रि पर मौसम ने बदली करवट, बारिश और हिमपात की भी बनी संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज महाशिवरात्रि पर मौसम ने करवट बदल ली है। महाशिवरात्रि पर मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। हालांकि अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। विभाग ने मंगलवार को और वीरवार तक कई स्थानों पर बारिश और हिमपात की भी संभावना दोबारा से जताई है। बर्फ के फाहों के बीच शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। पर्यटन नगरी मनाली में हिमपात पर श्रद्धा भारी दिखी। श्रद्धालु लगातार बर्फ में 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित अंजनी महादेव की बनी प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करने नंगे पांव जा पहुंचे। मनाली में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला में 60 पदों पर निकली भर्तियां, नोटिस हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 60 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां सतलज जल विद्युत लिमिटेड के द्वारा निकाली गई हैं। इसके आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ दुष्कर्म पीड़िता को 5 साल बाद मिला इंसाफ। दोषियों को आज कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। बता दें कि 22 मार्च 2017 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामला ठियोग थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने दोषियों को आज 20 साल की सजा सुना दी है। उसी के साथ हिमाचल पुलिस ने 1.25 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किए हरियाणा के 2 युवक। बस से चिट्टा भी बरामद। राजधानी शिमला में एक बार फिर नशा तस्कर सक्रिय हो गए हैं। पड़ोसी राज्यों से शिमला शहर में नशे की आपूर्ति लगातार हो रही है। सोमवार की सुबह शिमला पुलिस ने तारा देवी में हरियाणा रोडवेज की बस में सवार नितिन और विक्रम, दोनों निवासी गांव रूकी तहसील गोहाना जिला सोनीपत से करीब 1.5 किलोग्राम चरस बरामद की है। मामले की जांच ASI अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में हिमाचल के 317 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। 218 ने हेल्पलाइन पर करवाया है पंजीकरण। सरकार ने भी जारी की है एडवाइजरी। यूक्रेन में फंसे हिमाचली विद्यार्थियों की सकुशल स्वदेश लाया जाएगा। राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला से यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों और उनके माता पिता के साथ वर्चुअल संवाद में कही है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में 317 हिमाचली विद्यार्थी फंसे हैं, 102 स्वदेश पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 218 ने पंजीकरण करवाया है। इसी के साथ हिमाचल में व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। वेरका का पैकेट बंद दूध भी 2 रुपए महंगा हो गया है। भाजपा ने बनाया शेड्यूल। हर मंत्री के हवाले होंगे नगर निगम शिमला के 4 वार्ड। नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। सरकार के हर मंत्री के हवाले नगर निगम के 4 वार्ड करने की तैयारी भाजपा द्वारा पूर्ण कर ली गई है। भाजपा ने निगम चुनाव की जिम्मेदारियां देने को शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया है। ये थी दिन भर की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। ऐसे ही देखते रहिए गुमोजी प्रेजेंट्स द हिंदी टीवी।